जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में पंचायती राज संस्थाओं के दूसरे चरण के चुनाव के लिए आज वोट डाले गए। लाहौल घाटी में दूसरे चरण में आज 16 पंचायतों के 80 बूथों में वोट डाले गए। प्रधान, उपप्रधान और वार्ड सदस्यों के चुनावी नतीजे आज ही घोषित किए जाएंगे, जबकि पंचायत समिति की 15 व जिला परिषद की 10 सीटों के चुनाव नतीजे 4 अक्टूबर को जिला मुख्यालय केलंग में घोषित किए जाएंगे। दूसरी ओर चंबा जिला के जनजातीय क्षेत्र पांगी में भी दूसरे चरण के तहत 9 पंचायतों के 25 मतदान केंद्रों में वोट डाले गए। जिला निर्वाचन अधिकारी DC राणा ने बताया कि आज ही मतों की गणना होगी और देर रात तक सभी नतीजे आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि पंचायत समिति सदस्यों के मतों की गणना 4 अक्टूबर को होगी। हमारा जो जनजातीय क्षेत्र पांगी है उसमें दिसंबर में बाकी पंचायतों के साथ जो है वो जिला परिषद के इलेक्शन हुए थे और पंचायत समिति और पंचायतों के इलेक्शन अभी चल रहे हैं। फर्स्ट फेज़ की हमारी पोलिंग जो है वो 30 तारीख को थी और उसका रिजल्ट भी उसी दिन घोषित हो गया। हमारी 10 पंचायतों के परिणाम जो आ चुके हैं, जो 9 पंचायतें बची हैं उसके आज वोटिंग चल रही है और देर रात तक सभी नतीजे आने की जो है उम्मीद है। उसके बाद पंचायत समिति के पोलिंग जो काउंटिंग है वो 4 अक्टूबर को होगी और उसके बाद हमारी इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी और पांगी में जो हमारे पंचायती राज संस्थाओं के इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा।